क्वेश्चन नंबर 36 आ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल्स. इट सेज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंजेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स. कंजेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स को प्लीज अंडरलाइन इट. प्लीज अंडरलाइन दिस पार्ट. ये पूरा क्वेश्चन इस पॉइंट पे खड़ा था कि अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया यू विल गेट टू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वो क्या कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल. तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट दैट हिल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 36. लेट्स क्रिएट दैट हिल. मैंने इसको ले लिया ए बी बी द हाइट ऑफ द हिल. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंजेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट. ईस्ट किस तरफ होता है? इधर इधर होता है ना, इधर वेस्ट होता है बेटे. ठीक है, तो यहां पे दो स्टोन्स हैं. उसने बोला टू कंजेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स. इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वन किलोमीटर. तो सारी गेम ये थी इस क्वेश्चन में. ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? वन किलोमीटर. कंजेक्टिव कह दिया ना, कंजेक्टिव का मतलब साथ साथ वाले. हम कई बार हाईवे पे जाते हैं, लिखा होता है ना लुधियाना 40 किलोमीटर, फिर लिखा होता है लुधियाना 39 किलोमीटर. वो क्या हो गए? कंजेक्टिव स्टोन्स. कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? वन किलोमीटर. अब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब आप कहोगे सर आप तो बना नहीं रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन. मैं बना रहा हूं बेटा, देखना कैसे. तो मेरे को यहां पे एक ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे होता है. जो एंगल ये है वो यहां पे है, जो एंगल ये बड़े वाला है वो यहां पे है. हमें भी पता है जितना बिल्डिंग के पास आएंगे या माउंटेन के पास आएंगे उतना एंगल बढ़ेगा. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो बताओ ये 30 है कि ये 30 है? लास्ट वाला. एक्चुअली मैं कहां से लेके जाऊंगा? ये छोटा दिख रहा है 30 और बड़ा कितना है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ कौन सी थ्योरम? ऑल्टरनेट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन इजी हो गया. फिगर से ही ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो हाइट ऑफ द टावर को क्या ले लूं? एच. सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल. और इसको क्या ले लूं? क्योंकि जब दो अननोन हो प्लीज ऑलवेज ट्राई टू मेक इट लाइक दिस वे दैट यू हैव टू डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड टू अननोन. तो यू कैन प्लॉट दिस वे. अब आ जाओ मनरीत, इन ट्राइंगल ए बी सी 45 को पहले यूटिलाइज करो. इन ट्राइंगल ए बी सी. अच्छा, मैं फिर से जो चीजें मैं अजम्पशन लिख नहीं रहा हूं, ये क्या है मेरे पास? हिल. ये क्या है? फर्स्ट स्टोन. और ये क्या है? ये आपने कहानियां लिखनी होती हैं. इज दैट क्लियर? समझ गए? अब इन ट्राइंगल ए बी सी एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू. तो एच इक्वल्स टू, तो यहां पे पहला रिजल्ट आ गया. आगे बढ़ते हैं. इन ट्राइंगल ए बी डी, यहां पे दिवम देख, ये परपेंडिकुलर है. बेस क्या हो गया? एक्स प्लस वन. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन ऑफ 30 डिग्री एंड टेन ऑफ 30 इज वन ओवर रूट थ्री. एच और एक्स दोनों क्या है? सेम है. मैं एक्स को एलिमिनेट कर दूं क्योंकि मेरे को तो हाइट ही ढूंढनी है. तो एच अपॉन एच प्लस वन इज वन ओवर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, रूट थ्री इंटू एच इज इक्वल टू एच प्लस, इधर ले आए रूट थ्री माइनस वन इंटू एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू वन ओवर इंटू. जैसे डिनोमिनेटर में रूट्स आई आपने क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिया. तो यहां पे बना रूट थ्री प्लस वन ओवर रूट थ्री प्लस वन. एच कम्स आउट टू बी रूट थ्री प्लस वन ओवर फिर से रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर थ्री माइनस वन टू. अब जहां पे रूट थ्री, या तो आंसर यहां छोड़ दो, दैट इज टोटली फाइन. नहीं तो आजकल मैं आपको क्या कह रहा हूं, ऑलवेज सिंप्लीफाइड.
एच को लिख दो वन रूट थ्री को 1.73, टू भी लिखना तो लिख सकते हो, प्लस 1/2, दिस कम्स आउट टू बी 2.732, तो ये बना 1.366, सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.37 मीटर्स. दैट इज योर आंसर. अंडरस्टूड एवरीबडी? प्लीज नोट. क्लियर है भव्या?